पवन जी स्वागत है आपका। आप सबसे पहले तो अभी के जो नंबर्स आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए काफी इनकरेजिंग है, जो अभी तक के एग्जिट पोल्स थे उस सबको डिफाई कर दिया, लेकिन टेलीविजन के एग्जिट पोल्स को डिफाई किया, लेकिन आपका जो एग्जिट पोल था 295 वो यहां पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो अभी राजस्थान में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो पूरी उम्मीद है अभी भी हमें कि हम उस आंकड़े के आसपास हमारा गठबंधन जरूर रहेगा। उत्तर प्रदेश से जो बड़े उत्साहवर्धक नतीजे आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, मेरे अपने राज्य राजस्थान से आ रहे हैं, गुजरात में भी अभेद्य किला जिसको माना जाता था वो भी भेदा जा चुका है, तो ये अच्छी खबरें हैं। मुझे लगता है ये आंकड़ा ज़रूर आगे बढ़ेगा। कर्नाटक में जितनी उम्मीद थी शायद वहाँ से थोड़ा हम पिछड़े हैं, मैं अभी पूरे आंकड़े नहीं देखे, लेकिन उम्मीद है कि हम इस आंकड़े के आसपास आ जाएंगे। आपके आपका अभी तक का जो आकलन है उसके अनुसार ये जो जिस तरीके से आप लोगों ने यूपी में कमाल किया, इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगी, ज़्यादा खुशी मनाने के लिए भी अच्छी बात समय नहीं है अभी ये, और ज़्यादा दुखी किसी को नहीं होना चाहिए, अभी इंतज़ार करनी चाहिए। लेकिन इस देश की एक फितरत है कि कोई अहंकार के घोड़े पर सवार हो जाए और अपने आप को राजा मानने लग जाए, या जैसे वो अमेठी में जो हैं वो अपने आप को महारानी मानने लग जाएं, तो ये देश उसको घोड़े से ज़रूर उतारता है। हम सबके साथ हुआ है, अब भाजपा के साथ हो रहा है। अच्छा पवन जी, एक तो एनालिसिस ये है कि 400 पार का जो नारा दिया, लेकिन पवन जी को ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कमाल नहीं किया है, कमाल अखिलेश यादव का है। भाई हम 17 ही सीटों पे लड़ रहे हैं, तो ये कहना अच्छा नहीं होगा, आप जो कह रहे हैं ठीक नहीं है। हमारे गठबंधन का चुनाव था, हम 17 सीटों पे लड़े और हम लोग सब मिलकर लड़े, और अमेठी जैसी सीट पे कांग्रेस लड़ रही है। सुबह वाराणसी में 2-3 राउंड तक मोदी जी को संघर्ष कांग्रेस से करना पड़ रहा था, तो इसलिए आपको बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। अच्छा पवन जी, ये 400 पार का नारा जो है, इसकी एक एनालिसिस तो ये है कि भाई बीजेपी को इसका थोड़ा नुकसान हो गया, एनडीए को थोड़ा नुकसान हो गया, लेकिन दूसरा ये है कि वो 400 पार के फेर में ऑपोजिशन को फंसा दिया गया, और पूरी ऑपोजिशन की ये कोशिश रही कि भाई 400 पार नहीं पहुंचने देना, जिसका जिक्र भी एक प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार किया मुस्कुराते हुए। क्या आपको लगता है? नहीं, ये तो जो ये अहंकार की ही निशानी है कि 400, अरे जनता से पूछिए, जनता के मन की बात सुनिए, किसान की सुनिए, जवान की सुनिए, महिला की सुनिए, पिछड़ों की सुनिए, मध्यम वर्ग की सुनिए, व्यापारी की सुनिए, किसी की नहीं सुन रहे साहब। घोड़े पे सवार हो गए, 400 लाऊंगा, मालूम पड़ गया 400 आ गए। लेकिन सरकार तो बन जाएगी उनकी तीसरी बार, तो ये भी अपने आप में बड़ी कामयाबी होगी उनके लिए, तो देखते हैं। नहीं साहब, ये व्यक्ति जो अपने आप को भगवान का अवतार बोलने लग जाए उसके लिए हार से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी हार है उनके। अपने आप को विष्णु का अवतार कहने लग गए थे, वो बोले सुरेंद्र नहीं है तो नरेंद्र नहीं, सुरेंद्र हैं, सुरों के भी इंद्र हैं, नड्डा जी बोलते थे। संबित पात्रा जी कहते थे जगन्नाथ जी इनके भक्त हैं, और वो खुद कहते थे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। आप बताइए साहब, ये जीत मानोगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पवन जी, मैं हेमंत बोल रहा हूँ, हेमंत शर्मा जी प्रणाम, नमस्कार। अभी आपने कहा कि बोल सोच के बोलना चाहिए, जहाँ आपको लड़ना था कर्नाटक में आप वहाँ लड़े नहीं, और यहाँ आप अखिलेश यादव के साथ लड़े, इसमें बुरी बात क्या थी? नहीं, बुरी नहीं थी, बात यह है कि 17 सीटों पे हम लड़े, हमने तय किया आपस में कि हमें 17 चाहिए मिलेंगी, हमने उसी पे संतुष्टि जाहिर की और लड़े अच्छी तरह। अब ये बात सवाल आप मुझसे पहले ज़रूर पूछ सकते थे कि साहब 17 ही क्यों ले रहे हो, 27 क्यों नहीं ले रहे, वो अलग सवाल था। अब तो हो गया, अब लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। नहीं, लेकिन पवन खेड़ा जी देखिए, आपके साथ जो अलायंस में आपके पार्टनर्स हैं वो ज्यादा बेहतर कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, अगर टीएमसी की बात कर लें या यहाँ पर अखिलेश यादव की बात करें, बाकी जो आपके साथ आए हैं लोग वो ज्यादा आपकी ताकत बढ़ा रहे हैं, और इस वजह से आपकी ताकत बढ़ रही है, तो इसको भी तो लेकर एनालिसिस होगा ना। हम अगर कम सीटों पे लड़े अपने अलायंस पार्टनर्स के हिसाब से उसकी तुलना में, तो जाहिर सी बात है कि उनकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी, लेकिन जहाँ स्ट्रेट फाइट है राजस्थान जैसी जगह पे, गुजरात में कमोबेश सारी सीटों पे एक आध छोड़कर स्ट्रेट फाइट है, कई जगह आप देख रहे हैं वहाँ कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। राजस्थान में कौन सोच सकता था, अभी अभी हम हारे हैं असेंबली इलेक्शन, 25 बीजेपी के पास थी, स्ट्रेट फाइट है, और गुजरात में हमेशा कांग्रेस का अपना वोट प्रतिशत रहा है एक, लेकिन गुजरात में भी अभी आप कोई सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। नहीं, उम्मीद पूरी है हमें, इंतजार कीजिए, हमें लगता है कि हम गुजरात में अच्छी तरह से जीत रहे हैं कुछ सीटों पर। अभी अभी भी आपको उम्मीद है कि आप सरकार बना लेंगे? जी जी बिल्कुल है।